हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका लकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो आपका वीडियो का वॉच टाइम है, मतलब टोटल काउंट करने के बाद जो आपका वॉच टाइम बताता है वो कैसे कम हो जाता है। आप मतलब देखते होगे आपका जो वीडियो है आपके दिन, मतलब कभी कभी आप देखते होगे आपका वॉच टाइम कितना 23 घंटा है, बाद में 22 घंटा हो जाता है, 21 घंटा हो जाता है, 20 घंटा हो जाता है, मतलब धीरे धीरे कम हो जाता है। वो कैसे होता है आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों, चलते अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपका वॉच टाइम कम हो रहा है तो उसमें गलती आपकी ये पहली गलती तो ये है, आप जानते रहते हो तो भी ये मिस्टेक आप कर देते हो, यूट्यूब से वीडियो डिलीट करना। अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद उसमें जो वॉच टाइम आया रहता है, मतलब जिस पब्लिक ने उस वीडियो को देख लिया तो उस पर वॉच टाइम आता है। मान लो वो वीडियो का 100 मिनट चल चुका है पब्लिक में, 100 मिनट चल चुका, 100 मिनट वीडियो देख लिया पब्लिक लोग ने, लेकिन बाद में आपने वो वीडियो को डिलीट कर दिया। जो उस डिलीट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो आपने उस वीडियो पे जितना आपका 100 मिनट जो आया था वो 100 मिनट भी हट जाता है, इससे आपका वॉच टाइम कम हो जाता है। पहली मिस्टेक तो ये है। और सेकेंड है, जब आप वीडियो अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद पब्लिक से आप जब प्राइवेट में कर देते हो, प्राइवेट जब कर देते हो, जो उसका जो वॉच टाइम है वो काउंट किया जाता है, वो वापस हट जाता है, तो इससे भी आपको जो वॉच टाइम है कम हो जाता है। और जो थर्ड है वो ये है कि मतलब आप जब वीडियो अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद जब उसको अनलिस्टेड कर देते हो, तो अनलिस्टेड करने से क्या होता है, जो आपका वीडियो खाली आप देख सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता, ये करने से भी जो आपका वॉच टाइम है कम होता है। तो ये सब गलतियाँ आप ना करें, वीडियो को पब्लिक में ही रहने दें, पब्लिक में रहने दें और ना वीडियो डिलीट करें, इससे आपका वॉच टाइम कम होगा। आपका जो वीडियो है 4K, मतलब जो आपका 4K वॉचिंग टाइम होता है, जिस जल्दी कंप्लीट नहीं होता, जो आपका वीडियो हो, वीडियो ऐसे रहने दो, भले खराब से खराब है, खराब रहने दो, डिलीट ना करें अपने वीडियो को, और जिससे आपका वॉच टाइम जो है कम होगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर नए हो हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पर।